नमस्कार, सिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एनआरसी और कैव के विरोध में निकाला गया आक्रोश मार्च। 19 दिसंबर को वाम दलों ने बिहार बंद का किया आह्वान। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शाहजंगी मैदान में होगी विशाल जनसभा। विरोध प्रदर्शन का दौर जारी। बीएन मंडल विश्वविद्यालय में तृतीय दीक्षांत समारोह का हुआ आयोजन। कुलाधिपति के नहीं पहुंचने से छात्रों में छाई मायूसी। धूरी यादव हत्याकांड का शार्प शूटर मोहम्मद जिसान ने कोर्ट में किया सरेंडर। पुलिस को कई दिनों से थी तलाश। और गोराडी एवं बौसी पैक्स चुनाव में कई पुराने चेहरों ने अध्यक्ष पद पर जमाया कब्जा। समर्थकों में दिखा उत्साह का लहर। अब खबरें विस्तार से। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है और लोगों का आक्रोश सड़क पर फूट पड़ा है। वहीं मंगलवार को भागलपुर के ततारपुर चौक से रेलवे स्टेशन तक आक्रोश मार्च निकाला गया। समाजसेवी शम्स निजामी के नेतृत्व में निकाले गए आक्रोश मार्च में कई राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन के लोग शामिल हुए। प्रोटेस्ट मार्च में शामिल लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही कैब और एनआरसी का बायकॉट किया। समाजसेवी शम्स निजामी ने बताया कि एनआरसी और कैब भारतीय संविधान के खिलाफ है और मोदी सरकार जबरदस्ती इसे मुसलमानों पर थोपना चाहती है। मौके पर राजद के महानगर अध्यक्ष सलाउद्दीन अहसन, मोहम्मद असगर, सरवर हाजमी, दिलीप यादव समेत दर्जनों युवा शामिल थे। का प्रोग्राम हम लोगों ने इसलिए रखा है, जिस तरह से हम लोगों के सामने नागरिकता बिल लाया गया है, मैं ये सवाल करना चाहती हूँ सरकार से कि हम लोग का भारत नहीं है? क्या हमारे पुरखों ने कुर्बानी नहीं दी? क्या हमारे लोग यहाँ नहीं रहते? हमारे लोग नहीं शहीद हुए? फिर हमें क्यों भारत से निकालने की तैयारी चल रही है? साफ साफ उसमें मेंशन किया गया है कि अल्पसंख्यकों के साथ, मतलब अल्पसंख्यक क्या भारत का हिस्सा नहीं है? हमारे लोग यहाँ नहीं है? हमारे पुरखों की विरासत देख लीजिए, जाके आप ताजमहल देखिए, जामा मस्जिद देखिए, सब हमारे पुरखों की विरासत है। फिर हमें क्यों बाहरी पाकिस्तानी कह के बुलाया जाता है? मैं सरकार से ये अपील करना चाहती हूँ कि आप अपना बिल वापस लीजिए। पूरी तरह से सरकार जो है हम लोगों के ऊपर तानाशाही रवैया अपना रही है। वहीं नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ भागलपुर के सन्हौला प्रखंड में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले युवाओं ने अमित शाह का पुतला दहन किया और मोदी सरकार से बिल वापस लेने की मांग की। AIMIM के जौहर शाहिद ने कहा कि गृह मंत्री के गैर जिम्मेदाराना बयान से देश की जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मौके पर सैयद फैजान, गुलाम रब्बानी, मोहम्मद अनवर हुसैन समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मंगलवार को जमीयत उलेमा हिंद की ओर से भागलपुर के मुजाहिदपुर में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मौलाना अताउल रहमान ने की। इस दौरान उलेमाओं ने NRC और कैब पर अपने विचार प्रकट किए। जमात इस्लामी हिंद के परमंडलीय प्रभारी मौलाना फारूक नदवी ने कहा कि नागरिकता कानून के नाम पर देश में हिंसा भड़क रही है और सरकार चुप्पी साधे हुए है। बैठक में मौलाना असद नाजरी, मौलाना हाशिम नुमानी, मौलाना तबरेज रहमानी, हाजी मोहम्मद इम्तियाज समेत कई उलेमाओं ने NRC और कैब के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। वहीं समाजसेवी अलीम अंसारी, डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, मौलाना जफर और सिया सुन्नी समुदाय के लोगों ने नागरिकता कानून पर आपत्ति जाहिर की। इसके बाद सभी समुदाय के लोगों के साथ खानकाह सहवाजिया के सज्जादा नशीं सैयद शाह मोहम्मद इक्तेखाव आलम सहवाजी की बैठक की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 23 दिसंबर को भागलपुर के शाहजंगी मेला मैदान में विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी समुदाय और मजहब के लोग शिरकत करेंगे। जनसभा में किसी संगठन का बैनर या पोस्टर नहीं लगाया जाएगा और जलसा का आयोजन शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न होगा। इसके लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों की कमेटी बनेगी। जलसा समाप्त होने के बाद चयनित प्रतिनिधि जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। बैठक में तय हुआ कि कार्यक्रम की अध्यक्षता खानकाह सहवाजिया के सज्जादा नशी करेंगे। मौके पर सैफुल्ला तौहीद कमर समेत कई लोग मौजूद थे। आज जमीन के बैनर तले एहतजाजी प्रोग्राम ये विरोध प्रदर्शन के लिए ये निर्णय लिया गया कि हम तमाम तर सेकुलर जमात और सियासी जमात और तमाम बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ, तमाम मिल्लत के लोगों के साथ, शांतिप्रिय लोगों के साथ हम एक शांति प्रदर्शन करेंगे, शांतिमय विरोध प्रदर्शन करेंगे और विरोध जताएंगे ये CAB बिल काला कानून के खिलाफ। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा का तृतीय दीक्षांत समारोह मंगलवार को समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। दीक्षांत समारोह के दौरान 21 छात्रों को स्वर्ण पदक, 40 छात्रों को PhD और 234 छात्रों को स्नातकोत्तर की उपाधि प्रदान की गई।
राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान की अनुपस्थिति में कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय ने उनका प्रिंटेड अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत किया। इसके बाद कुलपति ने सभी उपाधि धारकों को बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं समारोह में कोसी प्रमंडल के आयुक्त सेंथिल के कुमार ने कहा कि दीक्षांत समारोह शिक्षा दीक्षा समारोह का अंत नहीं है, बल्कि यह एक शुरुआत है। वहीं शिलोंग के पूर्व कुलपति एवं नैक के पूर्व निदेशक डॉक्टर ए एन राय ने कहा कि बीएन मंडल एक युवा विश्वविद्यालय है और यह निरंतर प्रगति के पथ पर है। कार्यक्रम का संचालन कुल सचिव कपिल देव प्रसाद ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन प्रति कुलपति प्रोफेसर फारूक अली ने किया। बीएन मंडल विश्वविद्यालय के पीआरओ डॉक्टर सुधांशु शेखर ने कहा कि तृतीय दीक्षांत समारोह में सभी समिति के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मौके पर सभी संकाय के डीन, पीजी विभाग के विभाग अध्यक्ष, सभी कॉलेज के प्राचार्य समेत कई शिक्षाविद, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। अभिषद के सदस्य हैं और जिला पदाधिकारी या हमारे बीच जो आयुक्त साहब जो आए हैं कोसी प्रमंडल के, इन सभी के सहयोग से शांतिपूर्वक जो है सम्पन्न हो पाया। आज बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा का तीसरा दीक्षांत समारोह हर्षपूर्वक भव्य रूप से सम्पन्न हुआ। आपको मालूम होगा पिछले वर्ष भी हम लोगों ने दिसंबर में ही दीक्षांत समारोह का आयोजन किया था और लगातार दूसरी बार यह दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। इस समारोह के लिए महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति श्री फागू चौहान साहब ने अध्यक्षता हेतु अपनी सहमति प्रदान की थी और परिहार कारणों से महामहिम हमारे बीच नहीं आ पाए, लेकिन महामहिम का लिखित भाषण और उनका संदेश हम लोगों को प्राप्त हुआ। यह हम लोगों के लिए खुशी की बात है और महामहिम की अनुपस्थिति में उनके द्वारा अधिकृत हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अवध किशोर राय ने आज के समारोह की अध्यक्षता की। केंद्रीय काली पूजा महासमिति के महासचिव धूरी यादव हत्याकांड के मुख्य शूटर मोहम्मद जिसान ने मंगलवार को न्यायालय में सरेंडर कर दिया, जहां से कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। शूटर मोहम्मद जिसान के अधिवक्ता मोहम्मद सारिक मंजूर ने कहा कि पुलिसिया दबिश के कारण उसने कोर्ट में सरेंडर किया है। उन्होंने कहा कि मोजाइदपुर थाने में दर्ज केस में जिसान ने सरेंडर किया है। आपको बता दें कि गैंगस्टर अजय मिश्रा ने शूटर जिसान से धूरी यादव की हत्या करवाई थी, जिसके बाद जिसान की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने सरेंडर का दबाव उसके परिजनों पर बनाया था। दबाव के कारण ही जिसान ने कोर्ट में सरेंडर किया है। क्योंकि पुलिस की दबिश बहुत ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से आज जिसान, जिसका नाम धूरी यादव जी के मर्डर केस में आया था, उसको आज मैंने दूसरे केस में मुजाहिदपुर बबरगंज 152/19 में उसको आज हमने सरेंडर करा दिया है। और चूँकि धूरी यादव के मर्डर केस में क्योंकि पुलिस ने वारंट नहीं लिया था, वो FIR नेम नहीं था, जिसकी वजह से जो है तो उसको जो है तो हम उसमें सरेंडर नहीं करा पाए, इसलिए इस केस में सरेंडर करा दिया और उसमें बाद में जो है उसमें हम उसको रिमांड करवा लेंगे। ये कुल मिलाकर के जो है यही अभी का मामला है। क्योंकि पुलिस की दबिश बहुत ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से उसने, उसकी फैमिली ने खबर किया, वो आकर के सपोर्ट सरेंडर किया। भागलपुर के गोराडीह प्रखंड के 11 पैक्स चुनाव में अधिकतर पुराने चेहरे ने जीत दर्ज की है। सारथ डंडा बाजार के कृष्णानंद यादव लगातार तीसरी बार अध्यक्ष बने। अगरपुर से मोहम्मद कलीमुद्दीन ने मोहम्मद यूसुफ को भारी मतों के अंतर से पराजित कर दिया। तरछा दमुचक से पंकज कुमार, गोराडीह से रीता देवी, पिपरा से शंभु सिंह, कुरुडी से हेसामुद्दीन, अस्तु से बीबी सलीमा, कासिल रायपुरा से जयप्रकाश सिंह और सोनूडी से संगीता कुमारी ने जीत दर्ज की। इस दौरान समर्थकों में काफी उत्साह देखा गया। वहीं निर्वाची पदाधिकारी प्रभात केसरी ने सभी उम्मीदवारों को जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से संघर्ष करें और साहस रखें। सही समय और सही जगह पर इलाज करवाने से आप इस संघर्ष में हमेशा आगे रहेंगे और इस संघर्ष में आपके साथ है भारत विख्यात हॉस्पिटल समूह नारायणा हेल्थ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9199446571। याद रहे 9199446571। नारायणा हेल्थ। शानदार बैंक्वेट हॉल में भव्य शादी का आनंद लीजिए अब अपने शहर भागलपुर में। शहर के हृदय स्थल तिलकामांझी चौक पर स्थित मान्यवर बैंक्वेट हॉल अब आपकी सेवा में सदैव तत्पर।
23,000 वर्ग फीट में फैला मान्यवर बैंक्वेट हर तरह की आधुनिक साज सज्जा एवं सेंट्रली एयर कंडीशन के साथ शादी रिसेप्शन पार्टी एवं अनेक आयोजनों में चार चांद लगाने को तैयार। शानदार वेन्यू एवं लाजवाब गेस्ट हाउस बिहार झारखंड का इकलौता स्मार्ट बैंक्वेट हॉल आपके शहर भागलपुर में अब आपके लिए। मान्यवर बैंक्वेट हॉल, खुशियां बांटें अपनों के साथ। हर साल की तरह इस साल भी सर्दियों के आते ही तिवतन पोटाला मार्केट भागलपुर के तिलका मांझी कठलबाड़ी नियर आदित्य विजन भागलपुर में खुल चुका है। यहाँ हर तरह के गर्म कपड़े, जैकेट, स्वेटर, साल, कंबल, टोपी, मॉफलर उचित कीमत पर उपलब्ध है। महिला, पुरुष एवं बच्चे के लिए बेहतरीन क्वालिटी एवं एक से एक डिजाइन में गर्म कपड़ों की रेंज उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही चले आइए तिवतन पोटाला मार्केट तिलका मांझी कठलबाड़ी नियर आदित्य विजन भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कैब और एनआरसी के विरोध में 19 दिसंबर को वाम दलों के द्वारा बिहार बंद का आह्वान किया गया है। इसको लेकर मंगलवार को स्टेशन चौक के समीप भाकपा माले, भाकपा एवं सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि भाजपा सरकार ने देश को बर्बादी और विनाश के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। वाम दलों की लड़ाई देश और संविधान को बचाने की लड़ाई है। सभा को जिला सचिव बिंदवेश्वरी मंडल, मुकेश मुक्त, सुधीर शर्मा एवं दशरथ प्रसाद ने संबोधित किया। सभा में काफी संख्या में लोग मौजूद थे। कैब और एनआरसी के खिलाफ यह कानून लाया, 20 तारीख को बिहार बंद का आह्वान किया है देश की, और उसी बिहार बंद को सफल बनाने की अपील के साथ करती है। आज हम लोग यहाँ पर नागरिकों को समान अधिकार दिया गया और लोगों से अपील करते हैं कि 19 तारीख को बिहार बंद ऐसा अभियान चलाया है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सत्ता दल और विपक्ष में शीत युद्ध जारी है। एनआरसी और कैब के विरोध में कई राजनीतिक दल भी सामने आ चुका है। वहीं भागलपुर में राजद और जन अधिकार पार्टी ने इसका कड़ा विरोध किया है। राजद के जिलाध्यक्ष डॉ. तिरुपति नाथ यादव ने कहा कि 21 दिसंबर को नए कानून के खिलाफ राजद ने बिहार बंद का फैसला किया है। देखिए, हमारी पार्टी 9 तारीख को लोकसभा में बिल पास किया गया। 11 तारीख से पटना में नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हम लोग सड़क पर उतरने का काम किए हैं और 21 तारीख को बिहार बंद का आह्वान राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया गया है। उसी सिलसिले में कल हम लोग के दल की बैठक भी है। 20 तारीख को हम लोग नुक्कड़ सभा के माध्यम से लोगों को बताएंगे और फिर 20 तारीख के शाम में मशाल जुलूस निकाल कर शहर में लोगों को पूर्व संध्या पर, बंदी के पूर्व संध्या पर लोगों को सूचित करने का काम करेंगे। वहीं जाप के जिला अध्यक्ष नूरुल्ला फौजी ने कहा कि एनआरसी का विरोध सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि देश की जनता कर रही है। नूरुल्ला ने कहा कि जन अधिकार पार्टी कैब के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाएगी। एनआरसी के लिए, एनआरसी को लेकर जहां भी प्रतिक्रिया होगी नहीं बल्कि प्रतिक्रिया चल रही है। 12 तारीख के दिन भी जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी ने जन क्रांति मार्च निकाला था। 13 तारीख को उन्होंने दिल्ली बिहार भवन का घेराव किया था। 14 तारीख से वो जामिया में कैंपेन कर रहे थे। आज उनकी तरफ से मुजफ्फरपुर वगैरह निकलना था जहां उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और 19 तारीख के दिन जाप की तरफ से पूरा बिहार बंद का आह्वान है। स्वरूप डेंटल क्लिनिक की ओर से बीपुर के मरवा गांव में एक दिवसीय चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। निःशुल्क चिकित्सा शिविर में डॉक्टर अंकुर स्वरूप ने ग्रामीणों के दांत की जाँच की और उचित परामर्श भी दिया। मौके पर कई ग्रामीणों में पैरिया और दंत रोग के लक्षण पाए गए। डॉक्टर अंकुर ने कहा कि स्वस्थ दांत के बिना स्वस्थ जीवन की कल्पना संभव नहीं है। इसके पूर्व चिकित्सा शिविर का उद्घाटन बीडीओ एबीबीपी के गोपाल, पूर्व मुखिया नरेश चौधरी एवं सरपंच अनामिका चौधरी ने संयुक्त रूप से किया। पहले पता लगा है कि वो कई सारे क्षेत्र से ये पता चला है कि मुंह के कैंसर का रोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मुंह के कैंसर का, पायरिया का, ये सारे रोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो इसलिए आज मैं इधर आया हूँ ये देखने के लिए क्या कि लोगों में जागरूकता क्यों नहीं है कैंसर के लिए। तंबाकू सेवन ये सब इस साइड बहुत ज़्यादा है, तो लोगों के इसके प्रति जागरूक करने के लिए मैं आया हूँ इधर। और इधर अभी तक मैं 50-60 लोगों का है जमघट है यहाँ पे,
उसे मैं चेक कर रहा हूँ। चेक करने पे फिर पता चलेगा कि किस टाइप से लोगों में प्रॉब्लम हो रही है। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड स्थित लोकनाथ उच्च विद्यालय परिसर में मंगलवार को जदयू प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद अनवर की अध्यक्षता में नाथनगर विधायक लक्ष्मीकांत मंडल का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में विधायक को बुके देकर एवं माल्यार्पण कर अभिनंदन किया गया। समारोह में क्षेत्र के विकास पर भी चर्चा की गई। मौके पर जदयू प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद अनवर, जगदीशपुर मुखिया ममता शाह, भवानीपुर मुखिया अशोक शाह, बिरबल मंडल, रणवीर सिंह सहित कई समाजसेवी मौजूद थे। बौंसी प्रखंड के 9 पैक्स चुनाव की सोमवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना संपन्न हुई। चुनाव के परिणाम में अध्यक्ष के पद पर 8 पुराने एवं एक नए चेहरे की जीत हुई। अंगारू जबरा पंचायत से निखिल यादव निर्विरोध पैक्स अध्यक्ष चुने गए, जबकि कुलरो पैक्स अध्यक्ष पद पर प्रेम शंकर सिन्हा, भवनगामा पैक्स अध्यक्ष पद पर संजीव कुमार पांडे, चिंकारा पैक्स अध्यक्ष पद पर नरेश कुमार, बगडुम्बा पैक्स अध्यक्ष पद पर सियाराम यादव, सिकंदरपुर पैक्स अध्यक्ष पद पर ऋषि कुमार यादव, असनाहा पैक्स अध्यक्ष पद पर छत्तीश कुमार, सांपडहर पैक्स अध्यक्ष पद पर रेखा देवी एवं सांग पैक्स अध्यक्ष पद पर रणधीर कुमार विजयी हुए। सभी विजय अध्यक्षों के नामों की घोषणा भागलपुर शिक्षा पदाधिकारी मधुसूदन पासवान एवं प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी सह बौंसी अंचलाधिकारी ने करते हुए सभी को प्रमाण पत्र सौंपा। मतगणना के लिए बौंसी प्रखंड परिसर स्थित सभागार में 3 बेंच बनाए गए थे। ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र के सदस्यों के द्वारा जिला मुख्यालय परिसर में एक दिवसीय महाधरना दिया गया। प्रदर्शन कर रहे सदस्यों ने बताया कि वह जिला अंतर्गत जगदीशपुर, सुल्तानगंज व अंत थाने में थाना अध्यक्ष के निर्देश पर संध्या प्रहरी, रात्रि प्रहरी, जुआबंदी से लेकर त्योहारों के मौके पर प्रशासन की विधि व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करते हैं, जबकि इसके एवज में उन्हें न तो कोई मानदेय मिलता है न ही किसी प्रकार का सहयोग। बता दें कि लाठी, टॉर्च, वर्दी, मानदेय एवं स्थायीकरण, जीवन सुरक्षा जैसी अन्य मांगों को लेकर महाधरना प्रदर्शन किया गया था। वहीं जिला सचिव पिंटू कुमार ने बताया कि मांगों को लेकर पूर्व में भी धरना एवं ज्ञापन दिया गया था, मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। मौके पर जिला सचिव पिंटू कुमार, रविंद्र शर्मा समेत रक्षा दल एवं पुलिस मित्र के कई सदस्य शामिल थे। हमारी मांगे हैं लाठी, टॉर्च, वर्दी, मौसमी वस्त्र, ग्रामीण पुलिस या कर्मचारी में प्राथमिकता, स्थायीकरण या मानदेय। क्योंकि हम लोग विगत कई वर्षों से अपने थाना अध्यक्ष निर्देशानुसार संध्या प्रहरी, रात्रि प्रहरी, जुआबंदी से लेकर राष्ट्रीय त्यौहार के मौके पर राष्ट्र और ग्राम का हित करते आए हैं, परंतु इसके एवज में सरकार की ओर से हम लोग को कुछ भी प्रदान नहीं किया गया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एनआरसी और कैव के विरोध में निकाला गया आक्रोश मार्च, 19 दिसंबर को वाम दलों ने बिहार बंद का किया आह्वान। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शाहजंगी मैदान में होगी विशाल जनसभा, विरोध प्रदर्शन का दौर जारी। बीएन मंडल विश्वविद्यालय में तृतीय दीक्षांत समारोह का हुआ आयोजन, कुलाधिपति के नहीं पहुंचने से छात्रों में छाई मायूसी। धूरी यादव हत्याकांड का शार्प शूटर मोहम्मद जिसान ने कोर्ट में किया सरेंडर, पुलिस को कई दिनों से थी तलाश। और गोराडी एवं बौंसी पैक्स चुनाव में कई पुराने चेहरों ने अध्यक्ष पद पर जमाया कब्जा, समर्थकों में दिखा उत्साह का लहर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।